जाएंगे हम वहाँ जहाँ की हर खबर छुप जाती है, और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुँचेंगे हम भारत के कोने कोने में, भारत के हर राज्य की खबर से आपको करेंगे रूप। दृष्टि नाउ न्यूज बनेगा आपकी आवाज। दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। भाजपा नेता विधायक दल ए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की गरीबी और बेरोजगारी सहित भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए झारखंड की वर्तमान स्थिति और हेमंत सरकार के 28 महीनों में लूट खसोट और करप्शन व्याप्त बताया। उन्होंने बिहार के समय की स्थिति और वर्तमान हेमंत सरकार में आम जनों के जीवन शैली पर भी टिप्पणी की। उन्होंने लोकतंत्र के सभी स्तंभों और वास्तु स्थिति को बदलने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि सरकार द्वारा शराब के टेंडर से लेकर कोयला बालू जैसे विभिन्न कार्य पर भी राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। यहां तक कि इस सरकार में सबके लिए कानून अलग अलग है, यहां लीगल कम और इलीगल काम ज्यादा हो रहे हैं और ऐसा ज्यादातर सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ऐसे लूट के साम्राज्य में झारखंड का विकास कैसे होगा, इसका जवाब हेमंत सरकार को देना चाहिए। और ऐसे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सड़कों पर उतर रही है और जरूरत पड़ी तो चुनावी दौर के बाद आगे भी आंदोलन बड़ा होगा। और इसीलिए हम सब लोग आप और इस प्रदेश किस सरकार को उखाड़ फेंकने का यह आंदोलन आगे जारी रहेगी। आज कोई विशेष ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि ये जो विषय है आज मानो इस राज्य में ये सारे लोग बैठे हुए हैं कमाने के लिए, सत्ता में लोग बैठे हुए, क्योंकि राजनीति में सामान्यतया हम सब लोग यही जानते थे कि वे समाज की सेवा के लिए आते हैं, राज्य के विकास के लिए वो काम करते हैं। लेकिन शिबू सोरेन के परिवार अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ये लोग सरकार बनाए हुए हैं, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। और एक राज्य के लिए आप ये परिवार पूरी तरह से बोझ बन चुकी है और इस बोझ को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हटाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का जितनी भी रास्ते हैं या तरीके हैं उन सभी तरीकों को हम सब लोग उपयोग में ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस प्रदेश में आप इस सरकार जितनी अधिक दिनों तक रहेगी राज्य को उतनी ही अधिक नुकसान हो। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर रही है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है और अभी भी हम सब लोग कहिए कि आंदोलन में ही हम सब लोग हैं। इस वक्त भी थोड़ी सी आंदोलन पर ब्रेक इसलिए लगा हुआ है, थोड़ा स्थानीय निकाय का इस वक्त चुनाव चल रहा है, 30 तारीख तक वो चुनाव भी समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आज इस राज्य में जो लोग टेस्टेड है, जिसके ऊपर करप्शन का चार्जेज है, एक नहीं अनेकों आरोप है, ऐसे सारे पदाधिकारी आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए और इन सारे लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है, तो जांच जब अंतिम परिणति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूँ कि वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं जब कहते हैं कि
पैर में भी कांटा चुभता है ना, तो आदमी सर तक या मुंह से आवाज निकलता है कि करा, तो वो पिछले दिनों दिखाई पड़ा। तो आज मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश जिसको कहते हैं नीति, कानून के शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया और आप इस प्रदेश में इतना ही नहीं बल्कि ग्रैंड माइनिंग के एक क्या करते हैं उसको, जहां उन्होंने खदान तक सड़क ले जाना, तो फॉरेस्ट में जिसको बोलते हैं कि रास्ता बनाया, मैंने जैसे कि उनकी सरकार है तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो जो कहेंगे कि वही नियम कानून है, जैसे लोग कहते हैं क्या बोलते हैं कि मुखेर कानून, यानी उन्होंने जो कह दिया वही कानून है। और फॉरेस्ट में सड़क बना देना, और फॉरेस्ट के वहां के लोगों ने जब उसके ऊपर केस किया पाकुड़ में, और केस करने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा सोचिए भाई, जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर कानून का इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे, कानून को ब्रेक करेंगे, तो फिर राज्य में कानून की सरकार कैसे स्थापित हो सकती है, अर्थात राज्य में ये करप्शन कैसे रोके, या राज्य में विकास का काम कैसे हो सकता है, राज्य के अंदर में आम जनों को कैसे सहूलियतें या सुविधाएं मिल सकती। तो आज मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि लूट का एक साम्राज्य को शिवू सोरेन के परिवार ने इस झारखंड में स्थापित किया, और राज जिसको कहते हैं पूरी तरह से कलंकित करते हैं कि राज्य को इन्होंने कलंकित किया, शर्मसार किया है परिवार इस प्रदेश को। अब बनी में उस हिसाब से चलना तो लोग छोड़ दिया, बल्कि अपने हिसाब से नियम कानून को चलाने के लोगों की कोशिश की। आप सब लोगों के सामने मैंने पिछले दिनों समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सब लोग करते रहे हैं, आपके समझ आते रहे, सरकार को पत्र में लिखते रहे। जैसे पिछले दिनों आप सबने देखा कि दारू को लेकर किस प्रकार से दारू के लिए सरकार पहले टेंडर निकालती है, जब उनके मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर को पसंद नहीं होता है उस नियमावली को सरकार बदल देती है और फिर से लोग आते हैं, तब फिर उसके बाद भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने उसका उल्लेख कर दिया था सब बिल्कुल कि किन लोगों को देने की सरकार तैयारी कर रही है, और बाद में वो भी बिल्कुल सत्य साबित हुआ कि जिस चीज को मैंने इंगित किया हुआ था, जो हमें जानकारी मिल रहा था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सरकार अगर नियम और कानून से चली होती तो आज राजकीय दुर्दशा नहीं होती। सरकार नियम कानून से नहीं, बल्कि सरकार अपने सुविधा के हिसाब से या उनके चहेते लोगों की सुविधा के हिसाब से नियम कानून सरकार बना और चला। पिछले दिन आप सब लोगों ने देखा कि झारखंड के अंदर में बालू को लेकर के भी क्या हुआ, विधानसभा में क्या बोलती है सरकार, और आज से नहीं 2 साल से, पिछले बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू को लेकर के मामला होता, इस बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू का मामला होता, और सदन में मैंने भी खड़े होकर के बालू के विषय में सरकार को भी कुछ मैंने सुझाव दिया था। आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड की स्थिति कमोबेश हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो पिछले लगभग 28 महीना होने को ही चला है, इन 28 महीनों के शासन में स्थिति यही पैदा हुई।
अब जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ किसी लोगों से थोड़ी सी, हम सब लोगों से तो कोई और व्यापार के लोग चर्चा नहीं करते, क्योंकि अब तो कुछ काम नहीं है, फॉरन राजनीति करते, तो पहला लोगों के जुबान से जो निकलता है वो झारखंड के बारे में, यानी झारखंड की लूट के बारे में निकलता है, झारखंड के करप्शन के बारे में, झारखंड की कानून व्यवस्था के बारे में लोग चर्चा करते। तो मैं कह सकता हूं कि आज के तारीख में जो सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में या जो सरकार चल रही है, अगर आप पूरे इन दो वर्षों की, ढाई वर्षों, लगभग 28 महीनों के शासन को आप देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में एक काम की सबका डिफिनेशन किया हुआ होता है कि कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी, विधायक का काम भी डिफाइन किया हुआ है, न्यायपालिका का काम भी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में जिनकी सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यदि लगता है कि उस डिफिनेशन को, उस परिभाषा को, कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसको पूरी तरह से लोगों ने बदल दिया, और उसकी परिणति आजकल हम सब लोग देख रहे हैं, आई मीन अखबारों में, टेलीविजन में, झारखंड की चर्चा पूरे देश में या दुनिया में कही आ रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी कभी सोचता हूँ कि आस पड़ोस के राज्यों में जब हम घूमते हैं तो लगता है कि कहीं झारखंड से भी कहीं अधिक गरीबी है या फिर, लेकिन उसकी चर्चाएं कम होती है, चर्चाएं झारखंड की अधिक होती है, और झारखंड के प्रशासन इस प्रकार के मानव क्या होते हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन की, लूट की, इसकी चर्चा होती है। और जहां कहीं भी आप घूमेंगे तो लोगों से आप मिलेंगे तो लोग एक बार में, अगर पहली बार लोग कोई बात करते हैं आपसे तो पूछते हैं कि अरे झारखंड में क्या हो रहा है, तो कभी कभी बताने भी बड़ी अटपटांग लगता है कि हम क्या बोले झारखंड के हाल। जैसे किसी जमाने में जब बिहार में हम सब लोग रहते थे, जब राज्य नहीं बना तो बाहर लोग जाते थे तो अपने आप को बिहार के बताने से लोग संकोच करते थे, जो कि बिहार में जिनके उस वक्त राज्य था या उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसके कारण से लोगों को अपने आप में, इस बार भी सरकार की वही जवाब थी, लेकिन परिणाम क्या था बिल्कुल सुन, यानी पूरे दो वर्षों किस प्रकार से बालों के लिए लूट जारी हुई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और हालत इतनी खराब हो गई कि इंदिरा आवास दिया ये प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा है, गांव गरीब लोग घर बनाते वो लोग भी बेचारा परेशान है, अगर नदी नाला से लोग लाते हैं तो उनके ऊपर भी केस होता है, उसको भी पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, उनकी गाड़ी को जब्त कर देते हैं, ये आम बात है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिन लोगों की माइनिंग चल रही थी, जिन लोगों ने लिया हुआ था उनकी माइनिंग के लिए भी सरकार क्या करते, उसको पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिली तो उनको नहीं लिया, लेकिन उसी में से आप देखेंगे जिन लोगों ने जो पैसा दिया था फिर उनके लिए उन्होंने कर दिया। यानी कानून सबके लिए एक समान नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि जहां पर उनको इलीगल ढुलाई करना था वहां क्यों वो देंगे, लेकिन अगर वहां एक घाट से तो दोनों काम चल नहीं सकता है,
लीगल और इलीगल नहीं चल सकता, चलेगा तो कोई एक चीज। उसी प्रकार से पत्थरों की खदानों में भी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में आज के तारीख में पत्थरों की खदान कम है, यानी लीगल काम कम हो रहा है, इलीगल काम अधिक हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और इलीगल काम दूसरे को तो छोड़ दीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इलीगल काम चलवाते हैं। इलीगल के बारे में पिछले दिनों माइनिंग के बारे में हम सब लोगों ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री अपने नाम से ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं, पट्टे क्या कहते हैं, और उनके प्रेस सलाहकार के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के पत्नी के नाम से, और फिर डीसी के पत्नी के नाम से खनन पट्टा। यानी